जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। आज हम लोग 10 अप्रैल का जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है, इसके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अपना जो है प्रतिदिन एक एक बिहार दरोगा का जो है मेंस का प्रैक्टिस सेट चलता है, जो कि बिहार दरोगा मेंस एवं बिहार ESI के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा अपना जो है हिंदी का भी एक प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसे आप जरूर देखिएगा, एवं संविधान को भी अच्छी तरह से इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ाया गया है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हैं। तथा बिहार ESI मेंस का भी प्रैक्टिस सेट देखिएगा, तथा मास्टर BDA हिस्ट्री का एक आया है, जिसे आप जरूर वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य जो है देश भर में लगे लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य बना है, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। तो उड़ीसा जो है भारत के उड़ीसा राज्य में जो है लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऐसे करने वाला जो है उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही CM नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 30 अप्रैल तक ट्रेन और विमान की सेवा शुरू न की जाए। ठीक, तो उड़ीसा के अभी CM कौन है, नवीन पटनायक, सही आंसर होगा उड़ीसा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में जो है दुनिया की अरबपतियों की सूची में जो है पहले स्थान पर कौन रहा है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 में जो है दुनिया के सबसे बड़े अरबपति में जो है पहले स्थान पर कौन रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोफ बेजोस। जोफ बेजोस जो है ये अमेजन के संस्थापक हैं एवं मालिक हैं। ठीक, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जेफ बेजोस जो है फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में लगातार तीसरे साल अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स दूसरे स्थान पर और LVGM के CEO वारन बफेट तीसरे स्थान पर हैं। तो इसका सही आंसर जेफ बेजोस होगा। सही आंसर क्या होगा, जेफ बेजोस। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न जो है कि और अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस शहर के IIT संस्थान ने जो है कम लागत वाला प्राणवायु नामक पोर्टेबल यानी वेंटिलेटर विकसित किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा IIT रुड़की, कौन सा हो जाएगा, तो IIT रुड़की जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, और इसके बाद में इसको हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो इसमें दिया गया है कि IIT रुड़की ने जो है हाल ही में देश में बढ़ते वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम लागत वाला प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसे कि सभी आयु समूह के लिए यह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि वैश्विक अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी जो है 8 पायदान फिसल कर कौन से स्थान पर आ गए हैं। तो वैश्विक अमीरों की सूची में जो है मुकेश अंबानी 8 पायदान फिसल कर कौन से स्थान पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 17वें स्थान पर। किस स्थान पर आ गए हैं, तो 17वें स्थान पर। मुकेश अंबानी जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, भारत एवं एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक, और यह जो है इनका पायदान जो है 8 पायदान फिसल कर यह 17वें स्थान पर आ गए हैं। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपको यदि PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का जो है लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, और अपना जो है बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसे आप जरूर देखिएगा, वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, और यह जो है 17वें स्थान पर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी जो है 8 पायदान फिसल कर 17वें स्थान पर आ गए हैं। पिछले 2 महीनों में भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की नेटवर्थ जो है कितना, 1.44 लाख करोड़ रुपये, यानी कि उनका नेटवर्थ घट गया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फोर्ब्स द्वारा जारी बिलियनर्स के लिस्ट में लगातार कौन सी बार रियलिटी TV स्टार काइली जेनर पहले स्थान पर है। तो रियलिटी टैली स्टार जो है कौन से बार लगातार जो है पहले स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा लगातार दूसरी बार। ठीक, कि कौन सी बार, तो दूसरी बार। ठीक, और जो इसका दूसरी बार फोर्ब्स द्वारा जारी बिलियनर्स की लिस्ट में लगातार दूसरी बार अपने दम पर अरबपति बनने वाले युवाओं में से सबसे पहले स्थान पर काइली जेनर है। वे कॉस्मेटिक लाइन काइली स्किन के भी मालिक भी हैं और उनकी कुल संपत्ति जो है 100 करोड़ डॉलर, कितना है, 100 करोड़ डॉलर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि RBI ने जो है किस बैंक में 2 प्रमुख एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। तो किस बैंक के ऊपर 2 नए एग्जीक्यूटिव तो किस बैंक की जो है 2 नए एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, कौन सा बैंक, तो HDFC बैंक। ठीक, कौन सा बैंक, HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है
हाल ही में दो प्रमुख एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अनुमान है कि बैंक के वर्तमान एमडी आदित्य पुरी की जगह पर बैंक के ही किसी आंतरिक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। ठीक, इस कारण जो है इस पर आरबीआई ने इसे रोक लगा दिया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सीसीएमबी हैदराबाद और किस शहर ने जो है आईजीबीआई के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम का अनुक्रमण पर काम शुरू किया है। ठीक, तो इसका सही दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है जेनेमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू किया है। ये दोनों जो है संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र के सहयोगी संस्थान है। ठीक, और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 10 अप्रैल जो है 10 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 अप्रैल को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विश्व होम्योपैथी दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा 10 अप्रैल को जो है विश्व भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है होम्योपैथी के संस्थापक क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक, और 7 अप्रैल को जो है कौन सा? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं 10 अप्रैल को विश्व भर में होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस देश ने जो है मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरिक्वीन के निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो वो कौन सा देश है हाइड्रोक्लोरिक्वीन को निर्यात की तो हाइड्रोक्लोरिक्वीन को जो है निर्यात को मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? तो वो देश जो है अपना देश भारत बना है। कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कौन सा देश है? भारत। ठीक, भारत जो है हाल ही में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की निर्यात की मंजूरी दे दी है जो कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कारगर मानी जा रही है। सरकार ने इस दवा पर लगे निर्यात से आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जो है कौन सा देश कोरोना वायरस को महामारी के कारण आपातकाल लागू करने वाला पहला देश बन गया है? ठीक, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा जापान। जापान ने जो है हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण आपातकाल लागू करने वाला देश पहला देश बन गया है। कौन सा? तो जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक, जापान ने जो है जापान के पीएम शिंजो अबे ठीक ने हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो है देश में 1 महीने का आपातकाल घोषित किया है। कोरोना वायरस महामारी से जो है जापान में आपातकाल लागू करने वाला यह जो है विश्व का पहला देश बन गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यह वीडियो जो है यह करंट अफेयर्स का सेशन जो है आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा अपना जो है बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रतिदिन का एक प्रैक्टिस सेट चलता है जिसे आप जरूर देखिएगा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा।